कैसे हैं भगवान? भगवान जितना दयालु कौन है? अच्छा बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? आप बताओ क्या दिया आपको दया करके भगवान ने? क्या दिया बेटा? हाँ, क्या दिया आपको? पीछे वाले आप बताओ, मैया भगवान ने आपको दया करके क्या दिया? सब कुछ दिया। क्या दिया? ठीक है, दादाजी बताएं क्या दिया आपको भगवान ने? आपको क्या दिया मैया दया करके? स्वागत है। हमारे भैया मेरठ से आए हैं, अभी कथा आपने कराई थी, सुंदर। आप लोगों का स्वागत है, आप सबका। विराजी भगवान बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम मनुष्य बनने के लायक थे नहीं, पर भगवान ने हमें क्या बना दिया? मनुष्य बना दिया। हम तो 84 में कहां कहां भटक रहे थे। अरे मैं अपनी कहूं ये दास अनिरुद्ध, मैं स्वयं कहां कहां भटक रहा था, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भटकते हुए अनिरुद्ध आचार्य को बुलाकर बिहारी जी ने अपने चरणों में वृंदावन में बसा लिया। ये कृपा नहीं है? ये बड़ी कृपा है। भगवान जितना दयालु कौन होगा? हम पर उन्होंने दया की, आप पर उन्होंने दया की, सबको भगवान ने दया करके सब कुछ दिया है। इसलिए जो आपके पास है उसे अपनी मेहनत का ना मानिएगा, क्योंकि मेहनत तो हमसे ज्यादा मजदूर करता है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर सबको सब कुछ थोड़ी मिलता है। आपको वृंदावन मिला है तो ये आपकी मेहनत से थोड़ी मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। आपको क्या लगता है कि आप आ गए ना? बहुत लोग सोचते हैं वृंदावन आने का, आने का सोचते सोचते सालों गुजर जाते हैं, कई बार तो शरीर भी पूरा हो जाता है, पर आने आने के रटना है पर आ नहीं पाते, कोई संयोग नहीं बन पाता। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे की कोई कमी हो, साधन की कोई कमी हो, कोई कमी नहीं है, फिर भी कई बार चाह करके भी आप नहीं आ पाते। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप यहां आए नहीं है, कृपा बिहारी जी की बुलाने वाले वो हैं, समझ रहे हैं? इसलिए वृंदावन में आप आए हैं। मेहनत बहुत लोग करते हैं, पर भगवान ने हमें रहने को घर दिया, खाने को भरपेट रोटी दी। आप साउथ अफ्रीका चले जाइए, आज भी दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों के पास दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं है। आपको क्या लगता है? अपना भारत तो बहुत संपन्न हो गया है, और बहुत संपन्न था ये, कभी गरीब नहीं था, इसे नेताओं ने गरीब बना दिया, अंग्रेजों ने मुगलों ने लूट लिया, बाकी ये देश कभी गरीब नहीं था। सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कहा जाता था, गरीब होता तो सोने की चिड़िया क्यों कहते, और गरीब होता तो लुटेरे यहां क्यों आते? भाई लुटेरे तो वहीं जाते हैं जहां कोई माल हो। तो हमारा देश तो संपन्न था, इसलिए ना मुगल आए लूटने के लिए, उनके बापों के पास खाने को रहा नहीं होगा इसलिए यहां आए थे। हमारा देश तो पहले से संपन्न था, आज भी संपन्न है, और आगे भी जब तक रहेगी ये धरती तब तक हमारा देश संपन्न रहेगा। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, देश हैं, और हमारा देश, हमारे भारत में भी आज कुछ जगह ऐसी है जहां आज लोगों के पास भरपेट बढ़िया सा भोजन नहीं है। आज भी फुटपाथ पर लोग सोने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आपको क्या लगता है, आप लोग उन सबसे बेहतर हैं या नहीं? तो ये ईश्वर की कृपा है या नहीं? इसलिए हर हाल में भगवान की कृपा मानना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए।